कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 27 जुलाई को एक बयान दिया। वो एक टीवी कार्यक्रम में थे, यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। इसी के बाद इस बयान पर, उनके संबोधन पर जमकर बवाल छिड़ गया। बवाल सदन से लेकर सड़क तक पर। राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को उठाया गया, बीजेपी की तरफ से झंडा संभाला उनकी सांसद स्मृति ईरानी ने। उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से इस पूरे मसले पर माफी की मांग की, कहा कि उन्हें राष्ट्रपति से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी का नाम लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को इस मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जमकर तेवर दिखाए, कांग्रेस पर खूब हमलावर रुख रखा। इसके अलावा सदन के बाद, उनके भाषण के बाद एक और खबर आई कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच जमकर तूतू-मैं-मैं हुई। ये भी कहा गया, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक टू मी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने आरोप लगाए, कहा कि स्मृति ईरानी समेत तमाम बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी की। खैर, इन सब बातों के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही बात, वो थे स्मृति ईरानी के तेवर। स्मृति ईरानी यूं भी अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन 28 जुलाई को सदन में उनके अलग तेवर देखने को मिले। कांग्रेस पर वो जमकर हमलावर थी, एक एक नेता का नाम लेकर उन्होंने हल्ला बोला। स्मृति ईरानी की ये तेवर और उनका भाषण जब सुर्खियों में आया, तो सुर्खियों में आई कुछ दिन पहले की भी एक बात, जब कांग्रेस के दो नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि मामला गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी की तरफ से चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट के बार से संबंधित है। खेड़ा ने कहा था कि ईरानी की बेटी पर उस बार का फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसका देहांत मई 2021 में हो चुका है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसकी मौत 13 महीने पहले हो चुकी। कांग्रेस ने जब स्मृति ईरानी के परिवार पर, खासकर उनकी बेटी पर, ये गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद से ही स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसके बाद सफाई में स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला था। कहा था कि कांग्रेस के दो अधेड़ उम्र के पुरुष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी 18 साल की बेटी पर इस तरह के अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा था कि उनकी 18 साल की बेटी पढ़ाई लिखाई करती है, ना कि कोई रेस्टोरेंट या बार चलाती है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दोनों नेताओं पर मानहानि का दावा तक करने की धमकी दे रखी है। उन्होंने कहा है कि दोनों इस मामले में माफी मांगे, वरना उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही बीजेपी का कोई और नेता अभी तक स्मृति के बचाव में, स्मृति के पक्ष में या उनके विपक्ष में कुछ भी कहने से बचता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी इस पूरे प्रकरण के बाद, जयराम रमेश और पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेटी की तरफ से पक्ष रखा और कांग्रेस पर हमला बोला। अब जब सदन में अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी के बाद उन्हें मौका मिला, तब भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।